फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। फ्रेंड्स, आज मुझे ना बालों को वॉश करना था, तो मैंने बालों को वॉश करके मैं आ गई हूँ। बाल वॉश करते तो नहा भी लेती हूँ बस, तो सुबह भी नहा लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, दो बार नहा लो, तीन बार नहा लो, क्यों है ना। तो बस अब अपना थोड़ा सा अपने आप को तैयार करूँ, क्योंकि मुझे तैयार होना पसंद है। और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेकअप रूटीन शेयर करो। देखो, मेकअप तो वैसे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसा डेली रूटीन में जो करती हूँ, डेली की डे क्रीम जो हम फेयरनेस क्रीम लगाते हैं वो लगाती हूँ, और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल, और मैं शेयर कर चुकी हूँ। बट अब रिक्वेस्ट है तो बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ। देखो, पहली बात तो जैसा मेरा ड्रेस होती है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना मेकअप कर लेती हूँ। तो आज मैंने ये पहना है, फ्रॉक पहन लिया, मिनी फ्रॉक, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर लूँगी। और सूट पहनती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। कभी मैं हेयर स्टाइल भी बहुत मायने रखती है ना, तो कभी जूड़ा बांध लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। और जैसी आपकी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर लो। अब डेली में तो खूब सारा मेकअप तो मैं नहीं करती, तो जो जो लगाती हूँ ना मैं वो आपको सबसे पहले गुलाब जल तो मुझे पसंद है, तो मैं एज अ टोनर भी इसे यूज़ लेती हूँ। पैट ड्राई कर लो इसको, आप चाहो तो एज अ प्राइमर लगा लो एलोवेरा जेल, वरना कभी लगाती हूँ मैं, कभी नहीं लगाती हूँ। और मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लो, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिन के टाइम में ना थोड़ा सा पसीना सा फील होता है, मैं सनस्क्रीन लोशन लगा लूँ या मॉइस्चराइजर लगा लूँ ना उससे, क्योंकि मेरी गर्मी में अजीब स्किन हो जाती है, सर्दियों में ड्राई रहती है, और है वैसे ड्राई स्किन, बट थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि ये कोई नुकसान तो करता नहीं हमारी स्किन को, इसलिए। तो थोड़ा सा जो भी क्रीम आप लगाना चाहते हो, आपकी जो भी डे क्रीम है, जो भी फेयरनेस क्रीम आप लगाते हो वो लगा लो। और कुछ भी नहीं लगाती, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ नहीं। फाउंडेशन लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं शादी पार्टी में भी फाउंडेशन नहीं लगाती, ओनली बीबी क्रीम या सीसी क्रीम से कर लेती हूँ। इवन मेरे भाई की शादी में पता है मैंने कैसे मेकअप किया था, क्योंकि ना तो उतना टाइम था उस टाइम पे ना कुछ, तो मैंने अपनी डेली वाली जो क्रीम ली, फेयरनेस क्रीम, एंड देन ओलिविया की जो मेकअप स्टिक होती है ना, वो बस ऐसे हाथ में ली थी और क्रीम में ही मिक्स कर ली हल्की सी, ताकि थोड़ा सा हाँ अच्छे सा लगे कि हाँ फाउंडेशन लगा रखा है। तो बस इसी से मैंने अपने भाई की शादी में मेकअप किया था, अपनी फेयरनेस क्रीम जो डेली क्रीम होती है डे की, उस पर मिला के, वरना मैंने कुछ भी और कुछ नहीं लगाया था। वो आगे बताती हूँ और क्या लगाती हूँ। क्रीम लगाने के बाद या तो मैं वाइट टोन का पाउडर लगा लेती हूँ, या फिर अपना कोई भी कॉम्पैक्ट जो मैं यूज़ लेती हूँ ना, कभी ब्लू हेवन का, कभी लैक्मे का, इस बार मैंने बायोटेक का मंगवा लिया है, तो ये लगा लेती हूँ। तो चलो ये लगा लेती हूँ, तो वाइट टोन भी अच्छा रहता है, घर पे क्या करना है, इसलिए मैं वाइट टोन का कभी लगा लेती हूँ। बिल्कुल मैट लुक देता है और लगता ही नहीं है कि आपने लगाया भी है। उसके बाद लिप बाम और लिपस्टिक, पहले लिप बाम लगा लेती हूँ, हिमालय का अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं नीविया का कर लेती हूँ, कभी कुछ, तो नीविया का जो ख़त्म हो गया था तो मैं हिमालय का ले आई थी, या फिर लैक्मे की बेबी लिप्स ऐसा कुछ लगा लेती हूँ, तो वो अपने आप में एक कलर भी दे देता है लिप्स पे, है ना। तो बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लिपस्टिक डेली लगाती हूँ, तो या तो हुडा ब्यूटी की लगा लेती हूँ, या ब्लू हेवन की लगा लेती हूँ, या इस बार मैंने ये मंगवा ली, तो ये मेरे ड्रेस से हाँ मैच कर रहा है इसका कलर, तो मैं सोच रही हूँ आज ये लगा लेती हूँ। के लाइनर है, हिलेरी रोडा का है, ब्लू हेवन का भी कभी ले लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐसे कर लेती हूँ, और उसके बाद लगाने के बाद काजल, काजल मैं ब्लू हेवन का लगा लेती हूँ, कभी किसी का लगा लेती हूँ। अभी मैंने L18 का मंगवा लिया, ये भी अच्छा है। और आईलाइनर मुझे सबसे बेस्ट पता है NYV का लगा था, जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना, ब्लू हेवन या हिलेरी रोडा का या किसी का भी, तो मुझे बेस्ट लगा था NYV का। वो जल्दी सूखा नहीं यार, ये ना थोड़ा सा सूख भी जाते हैं जल्दी, बट वो नहीं सूखा। इयर रिंग्स पहन लेती हूँ कोई भी जो मैच कर रहा होता है, ये मुझे इस पर अच्छे लगते हैं। ये मैंने केरल पे पहनी थी ये ड्रेस, तो ये और ये मेरी फेवरेट है, मैंने सिर्फ दो बार पहनी होगी शायद, एक तो वहाँ पे घूमने गए थे तब, और दूसरा लास्ट ईयर पहनी थी फादर्स डे पे, हमने ब्लैक 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 पहने थे तब पहनी थी, बट आज मैं सोचू दूसरे वाले पहन लूँ इसके ऊपर, ये वाले भी चल जाएंगे। वैसे ये बेस्ट लगते हैं मुझे ऐसी ड्रेसेस पे, बट चलो आज मैं ये पहन लेती हूँ। यही पहनू, बस अब बालों को सुखाऊंगी
और उसके बाद हेयर स्टाइल जो भी बनानी होती है ना मुझे, मैं वो बना लेती हूँ। सूट वूट होता है तो बिंदी बिंदी लगा लेती हूँ, और वरना अपना ऊंचा वाला वो बंद कर लेती हूँ, और बस कभी पोनी बना ली, कभी कुछ बना ली। हेयर स्टाइल तो आप देखते हो मेरी। चलो मैं सिखा लेती हूँ बालों को। चीज़ों को जगह पे रखना भी ज़रूरी है, जगह पे रख फटाफट वरना बिखर जाती है ड्रेसिंग टेबल। क्या करूँगी, अपना व्लॉग डालूंगी, क्योंकि आज मैं व्लॉग डालने में लेट हो गई। आज पता है डेट क्या है? क्या है यार, डेट भी याद नहीं रहती है। 16 या 17 में से होगी, 13-14-16 है शायद, पता नहीं डेट भूल जाती हूँ यार आजकल। तो बस मैं एक व्लॉग डालूंगी अपना, और बस फिर व्लॉग शूट करूंगी। तो अभी ये फोन एंड रहेगा, बाल भी सूख चुके हैं, मैंने इलू से बात भी कर ली, वीडियो कॉल बीच बीच में वो करती रहती है। तो बस अभी मेरा फाइनल लुक है, तो जैसी ड्रेस पहनती हूँ वैसा मैं मेकअप कर लेती हूँ, पता चल गया होगा है ना। बस यहाँ पे किचन में आई थी, थोड़ा सा पॉपकॉर्न मैंने सोचा बना लेती हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। तो क्योंकि कुछ ज़्यादा हैवी मैं करना नहीं चाह रही थी, तो बस पॉपकॉर्न बना के और बाहर बैठ के खा ली थी। फिर इनको पॉपकॉर्न से नहीं जमा, इनको पॉपकॉर्न खाने के बाद भी लगा कि हाँ भूख लग रही है, तो फिर इन्होंने अपनी मैगी बना ली थी। तो थोड़ा सा बस घी डाल रही हूँ, और घी डाल के पॉपकॉर्न जो है वो डाल देती हूँ, और बस हो जाते हैं। थोड़ा सा ढक्कन ढक दो, थोड़ा सा हल्का सा खुला रखो, तो बस ये अपने आप में हो जाते हैं। और पहले तो मैंने सोचा था पॉपकॉर्न की बेल बनाऊंगी, फिर मेरे पास सब्जियां ही नहीं थी यार, याद आया था, क्योंकि आज के दिन तक लाए नहीं थे हम, नेक्स्ट डे हमें लानी थी। खीरा वगैरह था, टमाटर और कुछ था नहीं, तो फिर मैंने कहा कैसे बनाऊंगी, तो नहीं तो पॉपकॉर्न की बेल बनाती मैं। तो बस यहाँ पे हो गए थे, तो चाट मसाला और मैंने डाला पॉपकॉर्न में, और नमक डाला, काला नमक डाला, और पिज़्ज़ा सीजनिंग मेरे पास रहती है, या मैगी मसाला हो वो डाल दो, बिल्कुल बाहर जैसे बन जाते हैं। तो बस ये करके खा लेंगे हम लोग बाहर बैठ के, तो कर ही क्या आजकल, कर भी क्या सकते हैं ज़्यादा, बाहर बैठ के हम खा लेते हैं, थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं। पता है हमारा घर है जहाँ पे, जो गली है ना वो डेड एंड है, तो कोई आना जाना भी इतना किसी का नहीं होता है, तो डेड एंड में ना मन नहीं लगता, वरना कोई चलती सड़क हो ना तो और भी अच्छा लगता है, मन लगता है, बट लगता नहीं है मन यार, कोई दिख ऐसा ज़्यादा कुछ दिखता नहीं, वही वही पड़ोस के वही सबके चेहरे तो दिख जाते हैं, थोड़ा सा बाहर निकले पे ऐसा और कुछ चहल पहल दिखती नहीं है, अभी वक्त ही ऐसा है, तो बस बैठे रहते हैं। क्या नॉर्मल वाली बना रहे, ये बना रहे हैं मैगी, इनका पेट नहीं भरा पॉपकॉर्न से, और इनको अनहेल्दी खाने की आदत सी है, तो यार हल्का फुल्का खाना चाहिए यार, ये क्या रोज रोज कभी मैगी कभी चाउमीन कभी ये कभी वो, इसमें कुछ पेट भरता है नहीं, पेट तो यार खाना भी तो खाते हो, लंच भी तो करते ही हो ना, हेल्दी खाओ मैगी क्यों, बहुत दिन हो गए मैगी खाए, बहुत दिन तो नहीं हो, और बिल्कुल कम बनाना, कम बनानी, अब तुम बनाओगे तो टेस्ट कर लूंगी, मेरे को जब कह रहे थे ना कि बनाते तब तो कह रहे थे वेजिटेबल वाली, और अब खुद सिंपल वाली बना रहे, वैसे वेजिटेबल है ही नहीं। तो ये बना रहे मैगी, मैं तैयारी कर लेती हूँ डोसे की कल के लिए, तो
कम ही बेटर बनाऊंगी। साउथ इंडियन फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ खाएंगे तो हम पहले सोचे थे चाइनीज वाला करें कि इटालियन करें, फिर मैंने सोचा यार हेल्दी हो जाएगा थोड़ा, है ना, तो साउथ इंडियन जो है ना थोड़ा लाइट रहेगा, जैसे कि उपमा भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं, लोग कल वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। इसके लिए मैं बना रही हूँ डोसे का बैटर। यहाँ पे मैं डोसे के बैटर के लिए ले रही हूँ 1.5 कप चावल, क्योंकि हम दो ही है ना, इसलिए मैं 1.5 कप चावल ले रही हूँ। 1.5 कप चावल लूँगी तो आधा कप जो है ना मैं उड़द की दाल लूँगी, वरना आप क्या करेंगे 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल होगी, ठीक है। बट मैं आधा ले रही हूँ उसका, क्योंकि हम दो ही जने हैं, तो इसलिए मैंने 1.5 कप चावल और आधा कप जो है उड़द की दाल ली। इसको अच्छे से धो लेंगे एक बार, वो पानी फेंकना मत, तो आप डाल देना पौधों में, मैं हमेशा ही कहती हूँ, ठीक है। फिर जब धुल जाएंगे तो इनको भिगोने के लिए रख देंगे, तो भीगेंगे जितनी भी देर में भीगेंगे 4-5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे उतनी देर में आप भिगो लेना। तो 1 चम्मच मैंने उड़द की दाल के साथ ही दाना मेथी डाल दी है, तो इसको भी साथ में ही भिगो देंगे हम, और ढक करके इनको भीगने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हमारी मैगी जो है इनकी तैयार हो गई थी, तो बस हम लोगों ने खा ली थी, मैंने 2-3 चम्मच खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, बस इतना ही खाई थी। फिर मुझे भूख भी नहीं थी, तो फिर हल्का फुल्का ही बनाने का हमने सोचा था कि पोहा वोहा खा लेंगे। करते हुए 10 मिनट हो गए, मैगी खाई थी तो मैंने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट 10 मिनट हो गए, और ये सोच रहे कब मैं पिंजरे से छूटूं। इनको वॉक करवाती जा रही हूँ, पक गया ना। बताओ, इनको बिल्कुल भी हेल्थ की वो नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, क्या वॉक में क्या डर है। अच्छा, ये गलत वो राय किसी को भी मत दो, लेकिन फिर भी मैं वॉक करता हूँ ताकि स्वास्थ्य सही रहे। कितने झूठे, फिट रहना चाहिए, मैं तो फिट हूँ वैसे भी। देखते हैं कितने फिट हो, फिट निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा चलता है। तो चलो यार, आज कुछ हल्का सा ही खाएंगे, इसलिए वॉक कर ले रहे हैं, पोहा हुआ बना लूँ, क्योंकि मुझे कल की तैयारी करनी है, इसलिए कल स्पेशल डे वीकली ऑफ सेलिब्रेट। व्लॉग ज़रूर देखना, पूरा रूटीन रहेगा, सारा काम करेंगे हम, सफाई और सब कुछ करेंगे, रूटीन यही रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल होगा। मैं भी हेल्प करूँगा। अच्छा, बिखेरने में। चलो यार, बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, और थोड़ा सा मैंने कढ़ाई पे तेल डाला था, और ये मूंगफली दाना जो है ना उसको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ एक तो पोहा का प्रीमिक्स बनाऊँगी, और सूजी वाला जो मैं बनाती हूँ ना इडली और उपमा का प्रीमिक्स, तो ये प्रीमिक्स बनने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उड़द की दाल को गर्म पानी में भिगो दे रही हूँ, क्योंकि कल वड़ा भी बनेगा, तो ताकि मैं जल्दी से भिगोना, उस टाइम पे डोसे के बैटर के साथ भिगोना भूल गई थी, तो अभी मैंने गर्म पानी में डाल दिए। तो बस ये मूँगफली भी होती जा रही है, दाल भी भीग जाएगी रात 11-12 बजे तक या 11 बजे तक, तो बस हो जाएगा। ये मूँगफली गोटा मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी मूँगफली नारियल की चटनी, तो यहाँ पे ये भी सब होता जा रहा है। तो साथ साथ में क्या है, 3-4 चीज़ें गैस में करती रहती हूँ मैं, क्योंकि कल अगर ये सब मैं करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो आपको पता ही है कि मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर देती हूँ, तो ये सारी तैयारी इसलिए चल रही, क्योंकि कल पूरे दिन हमें साउथ इंडियन खाना, और उसमें क्या टाइम लगता है कि भाई डोसा का बैटर भी बनाओ, दाल भी पीसो, वड़ा अगर खाना है तो, फिर उपमा भी अगर उसी टाइम बनाओ, तो सब कुछ ना बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत हो जाती, तो क्यों ना आज ही मैं इतनी मेहनत कर लूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए हमने बना लिया पोहा, बस अभी हम यही खाएंगे, क्योंकि मैगी खा ली थी ना थोड़ी सी, तो फिर भूख नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी पोहे वाली भी। तो बस यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ, और सूजी का बनाऊँगी मैं उपमा का प्रीमिक्स। तो भैया अगर नाश्ते में हमें या तो उपमा करना हुआ, या हमें शाम के टाइम वाला जो नाश्ता होता है उसमें उपमा लेना हुआ, तो सही रहेगा। बस 1 कप फिर जो भी लिया ये उपमा का प्रीमिक्स, और बस डाल दिया फिर पानी उसमें तिगुना, और बस बन जाता है। तो ये बस सूजी को मैं भून रही हूँ, साथ ही मैं हरा धनिया डाल के भून लूँगी, जिससे ना ये भी साथ में वो
हो जाएगा, इसमें नमी नहीं रहेगी। ये देखिए मूंगफली जो है ड्राई रोस्ट हो गई थी, तो इसके छिलके जो है वो उतार लूँगी, फिर फटाफट से चटनी बना लूँगी। जब मैं ये सब करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फैलावड़ा फैल जाता है। देखो पोहा एक वो पूरा किचन स्लैब में कोई पोहा है, कभी कहीं कुछ है कुछ है, तो ये सब लेकिन बाद में समेट दूँगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 या 5 कप मैंने पोहा लिया था, इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। वैसे तो ड्राई रोस्ट नहीं करना होता है, लेकिन 4 से 5 मिनट आप ड्राई रोस्ट कर लेना इसको, क्या मस्त पोहा का प्रीमिक्स बनता है यार, ज़रूर से ट्राई करना। तो ये ड्राई रोस्ट कर लिया, फिर मैंने ना कढ़ाई पे वो सूजी का जो मुझे बनाना था ना उपमा और इडली वाला प्रीमिक्स, उसके लिए ये सारी तैयारी चल रही है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसलिए मैं रेसिपी इसकी तो नहीं दे रही हूँ, मैं शॉर्ट में आप लोगों से शेयर कर लूँगी। जिसने नहीं देखी होगी ना तो मैं शॉर्ट वीडियो जो होती है ना उसमें ये उपमा का प्रीमिक्स की प्रॉपर डाल दूँगी, तो उसमें आपको पूरा बोल के बता दूँगी ऐसे ऐसे किया। यहाँ पर तो मैं दे चुकी हूँ चैनल पर, तो इसलिए तो ये उपमा का प्रीमिक्स रेडी हो जाता है ना, तो उससे आप मसाला इडली भी बना सकते हो। तो ये बन गया, साथ ही में ये पोहा मैंने इस कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा जल रहा था। तो बस ये ड्राई रोस्ट 4 से 5 मिनट करना है, फिर इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो ये ठंडा हो रहा था ना तब तक मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो इसकी मैं चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है सूखी हुई, मूंगफली ली है, नारियल का बुरादा लिया है, और ये चना दाल को मैंने तेल पर थोड़ा सा भून लिया था। फिर मैंने ये नमक डाल दिया है और दही डाल देंगे इसमें, और बस इसको पीस लेना है। तो बस हमारी चटनी बन जाएगी, ऊपर से तड़का लगा देना। तो बीच में इलू का कॉल आ गया था, तो एडिटिंग जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो कट गई थी, तो बस इसको मैंने कर लिया था और फिर बस तड़का वड़का बाद में इसमें लगा दिया था। तो जब मैं वीडियो बनाती रहती हूँ तो ये प्रॉब्लम बहुत है कि इलू भी कॉल करती रहती है बीच में, तो कॉल जब आता है ना तो वो वीडियो कट जाती है और मैं जो काम कर रही होती हूँ वो उसी टाइम मुझे शूट करना होता है। तो बस ये थोड़ी सी रहती है, और कभी एडिटिंग करती रहती हूँ। तो देखो ये पोहा हो गया था, तब मैंने इसको निकाल लिया है, और बस अब पोहे का प्रीमिक्स शुरू करेंगे बनाना। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डालना है, और मूंगफली हमने पहले ही भून ली है तेल में, है ना। तो ये मैंने राई डाल दी है 1 चम्मच के करीब, और हींग डाल दिए, हींग डाल दी। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते, लेकिन जीरा मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे जीरा नहीं पसंद है। ये मैंने चना डाल दी है, और ये उड़द की दाल जो है ना वो डाल दी है। इसको ब्राउन होने तक हमें भूनना है, साथ ही में मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए, मीठा जो होता है ना वो, और फिर मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी डालने के बाद क्या करेंगे कि पोहा जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना वो डाल देंगे। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है ना कि पोहे में कोई भी नमी नहीं रहती, और फिर साथ में ये दोबारा से भी ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगी, और प्री मिक्स को हम ज़्यादा दिनों तक फिर स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, लेकिन बना के रख लो ना ये सब प्री मिक्स तो बहुत आसानी रहते हैं यार, बस गर्म पानी करके डालना होता है। जैसे ढोकले का प्री मिक्स हुआ, इडली का और सबका हुआ। तो ये मैंने नमक डाल दिया है, और ये मैंने टाटरी डाली है। कई बार क्या होता है ना कि हम बनाते हैं तो साथ में फिर नींबू होता है नहीं होता है, तो मैंने इसमें टाटरी डाल दी, तो इसमें खटास भी आ जाएगी, और थोड़ी सी चीनी का पाउडर डाल दो तो मिठास भी आ जाएगी, बिल्कुल बाहर जैसा जो प्रीमिक्स है ना वो बनकर के तैयार होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते करते ये कर लिया, और फिर ये जो मूंगफली भुनी थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है। तो बस इसको अच्छे से चला लेना है, फिर पूरा इसको ठंडा कर लेना है। वैसे आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और जो नहीं डालना चाहते वो नहीं भी डाल सकते। तो कुछ लोग प्याज और हरी मिर्च भी डालते हैं, बट उसको पहले ड्राई रोस्ट करके फिर साथ में डालना, वरना क्या है कि नमी रह गई ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं लिया है प्याज हरी मिर्च का। तो प्याज हरी मिर्च और टमाटर और हुआ ना, ये तो ऐसी चीज़ है कि हम ऊपर से भी कट करके डाल सकते हैं। तो अगर आपको पोहा का प्रीमिक्स बनाना है बना लो, फिर बस इसको बनाओ, गर्म पानी डाला और बस बन गया ये। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे यार, 2 से 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, और फिर डाल दो ऊपर से कटा हुआ प्याज। और तो यहाँ पे ये सारा कचरा साफ करने में अब मैं लगी थी, तो क्योंकि अभी मुझे ये सब काम भी करना था। तो ये आलू मेरे पास 2 ही थे, तो डोसा मुझे क्योंकि पूरे दिन साउथ इंडियन खाना था तो तैयारी यार पूरी होती है, तो मेहनत बहुत लगती है। तो सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक मैं सिर्फ काम में लगी रहती हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। कभी कभी लाइव आ जाती हूँ या थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ ना, तो बस वो ही है। बाकी मेरा इतना शेड्यूल बिजी है, इतना टाइट शेड्यूल है ना कि मैं बता नहीं सकती कि इतना मुझे काम रहता है। तो ये देखो वो वाला प्रीमिक्स मैंने भर दिया है, इडली और उपमा वाला, इसको बंद करके रख देंगे। ये चटनी भी मेरी तैयार हो गई थी, इसमें बस तड़का लगाना है। ये पोहा का प्रीमिक्स भी हमारा तैयार हो गया था, और जो दाल मैंने गर्म पानी में उड़द वाली भिगोई थी ना वो भी तैयार हो गई थी। इसको भी अभी मुझे पीसना है वड़ा बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो ये जो दाल मैंने डोसे के लिए भिगोई थी वो भी तैयार थी। मैंने
ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया, बस इसी को अब मैं पीस लूँ, क्योंकि अगर कल मैंने किया तो खमीर रात तक उठेगा और फिर सुबह पीसने वालों का काम ना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार सफाई कर दे रही हूँ, आलू मेरे साथ में हो रहे और साथ साथ में मैं जो है वो सफाई कर दे रही हूँ। प्रीमिक्स ज़रूर आप ट्राई किया कीजिए और प्रीमिक्स बना के रखिए, बहुत अच्छा, मतलब आपका टाइम बचेगा, पैसा भी बचता है यार बाहर से प्रीमिक्स लाने से, अच्छा घर में वैसा कि वैसा प्रीमिक्स बन के तैयार हो जाता है। तो बस ये सारी सफाई कर दूँ, गैस का काम वैसे हो चुका था तो मैंने गैस को साफ कर दिया और स्लैब को भी साफ कर दिया। हालांकि स्लैब को दोबारा भी मुझे साफ करना पड़ेगा किचन काउंटर को, क्योंकि अभी ये सारी दाल वाल पीसने का काम था। तो ये देखो डोसा का बैटर का, अब हम बात करते हैं। ये चावल देखो भीग चुके थे, है ना, भीगने का मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो परफेक्ट डोसा बैटर बन के तैयार होगा। इसको हमें मिक्सी में डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना, मैंने अभी तो नहीं डाला था लेकिन बाद में डाल दिया था। तो ये देखिए इसको दरदरा रखना है, चावल का जो बैटर है ना इसको हल्का सा दरदरा रखना है। जब आपकी उंगलियों पे आपको थोड़ी दरदराहट फील हो ना, उतना बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखना है वरना डोसा नहीं बनेगा, बिल्कुल हल्का सा दरदरा रखना है ताकि क्रिस्पी हो जाए डोसा, है ना। और जो दाल का होगा ना बैटर वो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे हम नरम सा। तो ये देखो चावल का मैंने एक उसमें निकाल लिया था, अब जो दाल और दाना मेथी भीग चुकी थी ना, उड़द की दाल और दाना मेथी, उसको हम मिक्सी में डालेंगे। मिक्सी में डाल के थोड़ा पानी डाल के क्या करेंगे, पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका, बिल्कुल पतला स्मूथ पेस्ट कहते हैं ना जैसे, वो बनाना है इसका। तो हल्का सा कोशिश यही करना कि अगर आप थोड़ा पानी कम कम ही डालना, वरना एक साथ पतला हो गया ना तो वो अच्छा नहीं है। तो गाढ़ा गाढ़ा ये गोल रखना है हमें जब तक कि खमीर ना उठे, है ना। तो ये मेरा बिल्कुल पतला सा बिल्कुल फाइन पेस्ट जो है ना वो बनकर तैयार हो गया दाल का और चावल का थोड़ा सा दरदरा। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, कुछ भी आपको नहीं डालना है, बस ढक करके रख देना है। तो अभी तो गर्मियाँ इतनी है कि खमीर बहुत जल्दी उठ जाता है, वरना ना नहीं उठे तो कोई इनो इनो ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बेकिंग सोडा और डालने की आपको। नमक वमक आप उसी वक्त डालेंगे जब आप डोसा बना रहे होंगे। तो ये तो अभी कम लग रहा है ना, फूल के हो जाएगा ये, और इसमें मेरे उत्तपम भी बन जाएंगे। सुबह को हमको उत्तपम भी खाना और डोसा भी खाना था, तो उत्तपम भी बन जाएंगे। इडली मैं रवा की बनाती हूँ, मुझे ये वाली पसंद नहीं है इसलिए। तो बस ढक करके इसमें खमीर उठने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए मैंने दाल जो है ना वड़े के लिए वो भी मैंने पीस ली थी और ये आलू भी उबल गए थे, तो बस इसको ढक करके मैं रख दूंगी। ये पोहा का प्रीमिक्स भी हमारा तैयार हो गया था, ये देखिए, है ना। तो जो खमीर उठा ना वो भी मैं आपको लास्ट में बता ही देती हूँ, चलो कि कैसा। तो जब लास्ट आएगा ना वीडियो का तब खमीर उठा हुआ भी सुबह वाला बता दूंगी। तो ये प्रीमिक्स मेरा तैयार हो गया था, बादाम भिगो रही थी मैं रात के लिए, सुबह के लिए थोड़े बहुत, इनको भी मैं नाश्ते वगैरह में दे देती हूँ तो मैं भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। और ये मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी यहाँ पे, तो काम मेरा कंप्लीट हो गया था। बी कॉम्प्लेक्स की गोली है, इसको अच्छे से खाना, स्वस्थ रहना। और बी कॉम्प्लेक्स के अलावा हम आपको सी भी देंगे, विटामिन सी की गोली। क्यों नहीं लाए अब बताना क्यों? विटामिन सी की गोली पहले से बहुत महंगी हो गई है। नहीं बहुत फर्क आ गया, पता नहीं, पहले जो चीज 40 रुपए की थी वो अब 70-80 रुपए की मिलने लगी। तो क्या नहीं लाओगे? लाएंगे ना। कब? मैंने दो दुकानों में पूछा, बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा कुछ और दुकानों में पूछ लेते हैं, तो कल पूछेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खूब है मेरे पास। छोटे मोटी बात मत क्या नहीं लाए? 70 के मिले होते? नहीं, मुझे जो चाहिए थी ब्रांड की कोई भी। अरे मुझे गोली खोल के दे दी, रो पानी भरती है। अब एक बार शाहरुख खान वाला मुंह बना ना। तो
ये देखिए टाइम आप देख ही पा रहे हैं क्या बजा है। तो मेरा काम भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो बस अब रेस्ट करूँगी। मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि ये जो ड्रेस है ना बिल्कुल कंफर्टेबल थी, तो मैं इसी में जो है वो सो रही हूँ। अगले नेक्स्ट डे मैं 5 बजे से फिर से रूटीन स्टार्ट करने वाली हूँ। हम दोनों उठेंगे 5 से अगले 11 बजे तक रूटीन शेयर करेंगे, साथ में जो है वो भी शेयर करेंगे आपसे 24 आवर्स साउथ इंडियन फूड चैलेंज। तो ये देखिए अगली सुबह की मैं क्लिप आपसे शेयर करी हूँ, क्योंकि बैटर की पूरी रेसिपी इसी में मैं बताना चाह रही थी। पूरा अगली सुबह इस तरीके का आपका खमीर जो है उठ जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको डोसा की पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड करी हूँ कि कई लोग पूछते हैं आपके आने जाने का रास्ता कौन सा है, कौन सी सीढ़ियाँ हैं, ज़रूर से बताओ, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये देखो ये है, ये ऊपर जाने का रास्ता, ये वाला हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, और नीचे से ऊपर से भी मैं नीचे का दिखा देती हूँ कि ऐसे दिखता है। तो मैंने आपकी ये भी बता दिया कि ये रहा देखो रास्ता ऐसा है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको अब बता दी है। हाय फ्रेंड्स, ये आज है मंगलवार, आपके पास व्लॉग गया है, कब का गया है, संडे का जाने वाला। ये जो आप देखा है आपने संडे का, लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। मंडे को मैं लाइव आई थी, है ना, लाइव आई थी, उसमें इंस्टाग्राम आईडी और भी मैंने बताई थी, कई लोगों ने, न्यू लोगों ने भी मुझे फॉलो किया है, और पुराने जो थे तो थे ही, और न्यू लोगों ने भी मुझे फॉलो किया। तो अब मुझे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल कर रहे हैं, और वो मैं नहीं उठा पाई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैं, आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं उठा पाती, है ना। तो उसके कई सारे रीज़न हैं, तो मैं सारे रीज़न क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसलिए ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ से मेरी बेटी भी मुझसे नाराज़ होती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं आप लोग नाराज़ ना हो जाएं। तो मैं आपका ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल मैंने नहीं उठाया, तो या मैं रिसीव नहीं कर पाई, पिक नहीं कर पाई, तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बट ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल उठाना मेरे लिए उतना मुमकिन नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो, कभी कभी मेरी वीडियो बन रही होती है ना, कभी कभी मेरा नेट ऑफ रहता है, और कभी कभी जो है मेरे बेटी का भी व्हाट्सएप कॉल और आते रहते, तो वो चलता रहता है, तो और कभी मेरा कॉल चलता रहता है, किसी का कॉल, मम्मी का आ गया, शिप्रा का आ गया, ऐसे करके। तो कल ऐसी बहुत सारी कॉल्स आई मुझे, ऑडियो कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स, है ना, नाम तो मुझे किसी के नहीं पता है अभी, कई अलग अलग आईडी से हैं। तो बहुत सारी वीडियो कॉल और बहुत सारी ऑडियो कॉल्स आई। अब उसमें हुआ क्या कि मेरी डोसे की रेसिपी देनी थी मुझे, और रेसिपी भी मैं आपके लिए ही शूट करती हूँ, है ना। तो अब वो रेसिपी दे रही हूँ, डोसा मेरा बन रहा है, बीच में पूरा फ़ोन इसी फ़ोन से, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ इसी फ़ोन से, मेरी एडिटिंग होती है ना, और इसी फ़ोन पे कॉल वगैरह आते हैं, तो प्रॉब्लम ये वाली हो जाती है ना। तो क्योंकि मैं कैमरा से शूट नहीं करती, तो मेरा डोसा बन रहा उसी टाइम, ढेर सारी ऑडियो कॉल, ढेर सारी वीडियो कॉल्स आ रही थी, लोगों की बार बार आ रही थी, है ना। तो मैं नहीं उठा पाई, क्योंकि जब मेरी रेसिपी चल रही थी, मेरी शूटिंग चल रही थी, फिर देखो मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग में हर चीज़ हम शूट करते हैं, और आप लोगों से एक एक छोटी छोटी चीज़ भी शूट करते हैं, तो शूटिंग के दौरान भी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आ रही थी, तो मैं कैसे पिक करती, है ना। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप मुझे मैसेज कर दें, यानी कि DM कर दें इंस्टाग्राम पर, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो कॉल ऑडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी शूटिंग भी चल रही होती है, और मेरी कई बार क्या है, एडिटिंग चल रही होती है, मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, उसी बीच मुझे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आ रही है, है ना। तो मेरी एडिटिंग भी अधूरी रह जा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और इसी चीज़ से मेरी बेटी भी नाराज़ होती है, क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है, या फ़ोन कॉल करती है, उसमें मेरी वीडियो बनती रहती है, तो मैं उसका फ़ोन कट करती हूँ या वीडियो कॉल को कट करती हूँ, उससे वो बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि मम्मी आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, ये वो करके वो नाराज़ होती है। तो उसको बहुत समझाना पड़ता है, वो तो छोटी है ना, बच्ची है, तो उसको समझाना पड़ता है। फिर अब कभी मेरी वीडियो बन रही होती है और उसका व्हाट्सएप कॉलर आ जाता है, तो मैं कहती हूँ इलू प्लीज़ पापा के फ़ोन पे कॉल कर ले, तो उसमें नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मेरी वीडियो बन रही होती है, क्योंकि वो आधी बीच में रह जाती है ना वीडियो, तो आधा भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर उसमें भी वो नाराज़ होती है। तो ऐसा ही मैंने सोचा, कहीं आप लोग भी नाराज़ ना हो जाएं, तो ये चीज़ क्लियर करना बनता है। तो जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे टाइप करके चैट कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ जब फ्री होती हूँ। इंस्टाग्राम में वैसे उतना खोलती नहीं हूँ, जब फ्री होती हूँ तभी खोलती हूँ। और कई कई बार क्या होता है कि मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं होता है, मेमोरी कार्ड तो है बट इंटरनल, ये इंस्टाग्राम और तो इंटरनल मेमोरी में सेव होते हैं ना, तो उतना मेरे पास स्पेस नहीं होता है। जब मेरा व्लॉग मुझे एक्सपोर्ट करना होता है, तब मुझे इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ता है, वापस से मैं कर लेती हूँ इंस्टॉल, मतलब अनइंस्टॉल करना पड़ता है, फिर मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है, तो
तो कभी मेरी रेसिपी शूट हो रही होती है, कभी मेरी व्लॉगिंग चल रही होती है, तो उस बीच ऑडियो कॉल वीडियो कॉल आएंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी, है ना। और ये सब चीज़ मैंने सोचा चलो क्लियर कर देते हैं। दूसरा, कभी मेरा नेट ऑफ रहता है तो आपका कॉल मुझ तक नहीं पहुंच पाता, जब मैं नेट ऑन करती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है ना। कभी मेरे मम्मी पापा से बात और होती रहती, उस बीच भी कल मेरे इलू से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, उस बीच भी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आ रहे थे, तो उस बीच कैसे उठाऊं, और वहां पे इलू भी नाराज हो रही कि क्या हो रहा है मम्मी आपके फोन पे, ये सब क्यों बीच बीच में ऐसा हो रहा है, आपका पॉज क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत ये वाली प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आप ऑडियो कॉल वीडियो कॉल ना करके आप मुझे मैसेज कर लें, है ना। और डोसे वाली में भी ये रहा कि मुझे नहीं, मैं नहीं उठा पाई क्योंकि बीच में रेसिपी चल रही थी, तो इस वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई, फिर मुझे आगे भी शूटिंग करनी होती है तो पूरा दिन मेरा पैक है, इस वजह से ऑडियो कॉल वीडियो कॉल में भी मैं उतना रिसीव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक बंदा नहीं है ना ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करने वाला, फिर करने वाले बहुत से लोग हैं, तो मैं कब तक मतलब हर किसी से नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा मन नहीं मानता फिर कि एक को तो मैंने पिक कर लिया, मैंने रिसीव कर लिया, अगले का मैं नहीं कर पाई किसी वजह से। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, जितने भी लोग मुझे करते हैं ना वो मुझे मैसेज कर देते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम और होती है ना, तो फिर मैं जब भी मुझे टाइम लगता है ना, मैं सबकी किसी को राय चाहिए होती है या कोई मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं उनसे मैसेज के थ्रू बात कर लेती हूँ। तो ये है, मैंने कहा चलो मैं एक बार ये चीज़ क्लियर कर दूँ क्योंकि कहीं कोई नाराज ना हो जाए मैंने रिसीव नहीं की। तो रिसीव नहीं करने का ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं पूरे दिन 24 घंटे, क्योंकि मेरा इस चैनल के लिए ही नहीं, मैं उस चैनल के लिए भी शूट कर रही होती हूँ, जैसे कि मैं ब्यूटी चैनल मेरा चलता है तो उसके लिए भी मैं शूट कर रही होती हूँ, तो उस बीच भी मेरे ऑडियो कॉल वीडियो कॉल आ रहे थे, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर दें वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे बी आप लोग समझेंगे।